दोस्त दोस्त अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लोन का आपका नीड है और आपका मतलब कहीं पे भी लोन पास नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, मतलब पूरा देखिए, आपको बताया जाएगा किस तरह से लोन आप ले सकते हो, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स है, पेन और आधार कार्ड है, तो दोनों डॉक्यूमेंट्स पे ही आपको लोन मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद में एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, उसको डाउनलोड करने के बाद में किस तरह से उस एप्लीकेशन को फिल करना है वो इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और दोस्त हमारे चैनल पे आप आ गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अच्छा लगेगा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से मतलब कि अप्लीकेशन को फिल करते हैं और लाइव किस तरह से लोन प्राप्त करते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो देखिए हम आ गए एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन में देखिए सबसे ऊपर ही दिख रहा है मैक्सिमम लोन जो है 60,000, मतलब हम लोन प्राप्त कर सकते हैं 10,000 से लेकर 60,000 तक, मतलब डिपेंड ये करता है कि बैंक आपका लोन कितने पास कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों चीज़ ले लेना है, और लेने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है, ये व्यू माई क्रेडिट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इसमें अपना मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, और उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कुछ भी मिस कर जाइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, अगले जो आप जो फॉर्म जो एप्लीकेशन फिल करेंगे उसमें दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद में क्या करना है, इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मैं डाल के बता रहा हूँ आपको, उसके बाद हमें या फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में पासवर्ड सेव करना चाहते तो सेव कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए फिर उसके बाद में पासवर्ड सेव करने के बाद में यहाँ फिर वहीं पे हमें क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर दोबारा भी क्लिक करना है, फिर तीसरी बार फिर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिएगा ये साइट ओपन हो जाएगा। इसमें करना है क्या, फिर अब इसमें अपना कुछ डिटेल्स फिल करना है, और ये ऊपर में दिख जाएगा हमें कितने तक का और कितने कितने का लोन हमें मिलेगा। ये 7,500, 15,000, 30,000 और 60,000, हमें सबसे ऊपर पहले आना ही है। इस पर सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में इसमें ये पूछ रहा है कि आप मतलब सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है, क्या हैं आप, तो अपने हिसाब से जो भी होंगे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सैलरीड सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में इसमें क्या एजुकेशन, कितने तक आपने पढ़ाई कितने तक किया है आपने, तो जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे सैलरी आपको कितने मिलती है, अगर कहीं पे आप अगर जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो आपको सैलरी कितने प्राप्त करते हैं आप, तो उसको अपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि आप जो रहते हैं जहाँ पे आप ऑनर हैं या फिर रेंटेड है, क्या हैं आप, तो जो भी आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर इस पर क्लिक करना है हमें। अब देखिए फिर यहाँ पर आ गया ये, कुछ और डिटेल्स इसमें भरना है। इसमें क्या है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, सॉरी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम डालना है इसमें। देखिए इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम पहले नेम डालना है, उसके बाद में फिर इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, इसमें जो भी और जिस बंदे का नाम होगा ये, और जो नंबर डाल रहे हैं उस बंदे का मतलब क्या रिलेशनशिप क्या है, वो चीज़ आपको डालना है इसमें। और वही सेम इसमें भी डालना है, मतलब कि इस तरह सीधे सीधे ये मान लीजिए दो बंदे का विटनेस मांग रहे हैं, मतलब दो गवाह, इसमें दो बंदे का इसमें मतलब एड्रेस मतलब डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर हमें आगे बढ़ना है। देखिए हमें ये फिल करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे फिर ये आ गया यहाँ पे स्टार्ट डिक्लेरेशन। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सेल्फी मांगेगा ये, मतलब ऐसे इस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए इस तरह से सेल्फी लेगा, और सेल्फी लेने के बाद में वेरीफाई कर देगा ये। देखिए सेल्फी लेने के बाद में यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो इसमें डालना है, यहाँ पे मतलब कि इस पर क्लिक करके पैन कार्ड का फोटो डालना है। उसके बाद में इसमें फुल नेम डालना है, मतलब जो पैन कार्ड पे जो नाम होगा वो नाम डालना है यहाँ पे, इसमें पैन कार्ड नंबर डालना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, और इसमें जेंडर डालना है, मतलब मेल फीमेल जो भी है आप इसको सिलेक्ट करें, मेल फीमेल अपना सेलेक्ट कर लिए, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेंगे आप जो भी होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको पैन नंबर डालना है, इसमें फुल नेम डालना है। चलिए इसमें मैं इसमें कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट करता हूँ आगे के लिए। फिर हमें ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में देखिए कंफर्म का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कंफर्म कर देना हमें। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में यहाँ पे ये ऊपर नाम आ गया आपका, इसमें क्या करना है अपना अकाउंट नंबर डालना है, मतलब बैंक अकाउंट नंबर डालना है, इसमें IFSC कोड डालना है, उसके बाद में यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं डालता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं।
अब देखिए सब इसमें फिल करने के बाद में यहाँ पे अप्लाई नाउ पे, मतलब ये नाम अकाउंट नंबर और सब कुछ डाल देना है। उसके बाद में यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर यह कंफर्म के लिए मांगेगा, मतलब कि अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड अपने चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद फिर हमें कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद में देखिए अब क्या हो रहा है आगे प्रोसेस। देखिए ये हमें जो फर्स्ट में जो लोन जो पास हुआ है, ये हमें 30,000 का लोन, मतलब सॉरी 3,000 का लोन फर्स्ट में पास हुआ है। क्योंकि पहली बार जो होता है इसी तरह से होता है, थोड़ा थोड़ा करके मतलब पास होता है। तो अब यहाँ पे मैं ये पे गेट दी लोन पे मैं क्लिक करूँगा, टर्म कंडीशन पे मैं क्लिक करूँगा, फिर ये मतलब कि हमारे अकाउंट में पैसा ये चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीट प्रक्रिया था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और फिर भी कोई कम मतलब कि कोई क्वेश्चन रह जाता है आपको तो कमेंट में आके आप लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।